हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, जैसे थंबनेल से आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, इस कार को मैं सेल आउट कर रहा हूँ। एंड बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या ऐसा रीज़न आ गया कि 1.5 साल के अंदर इस कार को मुझे सेल आउट करना पड़ रहा है, क्या इशूज़ आ गए मुझे इस कार पर, सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। बट उससे पहले कार के अंदर चलते हैं, बात करता हूँ, बिकॉज बाहर थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा है, इसलिए कार के अंदर चल के बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि क्या ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मुझे एक कार सेल आउट करनी पड़ रही है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि यस, ये कार मैं सेल आउट करने का प्लान कर रहा हूँ एंड बहुत ही जल्दी ये कार सेल आउट हो जाएगी। तो ऐसे क्या रीजंस आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे कार सेल आउट करनी पड़ रही है, सब कुछ आपको आज वीडियो में बताऊंगा मैं आज की। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस कार से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था 6-7 महीने पहले, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे इस कार के बारे में। एंड काफ़ी लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया था, काफ़ी लोगों ने रिलेट किया था मेरे एक्सपीरियंस उसके साथ, एंड काफ़ी लोग जुड़े भी थे उस वीडियो के थ्रू हमसे। अगर आप भी जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी उनमें से एक हो, तो थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जो फाइनली रीज़न था मेरा इस कार को सेल आउट करने के पीछे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने इस कार को अराउंड 12,000 के आसपास चलाया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज जो बातें होंगी यार यहाँ पे, वो सब जेन्युइन होंगी, उसमें कुछ ऐसा फेक नहीं है कि मैं आपको कुछ फेक बता रहा हूँ। इस कार को रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस थे, मैं वही सब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप में से कोई ये कार लेना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस रहे इस कार के साथ। बहुत लोगों को कंसर्न रहता है इस कार, पर्टिकुलर इस कार से लेके, इस कार की माइलेज के लेके, क्योंकि कई लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार आपकी कार क्या माइलेज दे रही है। बिकॉज बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोगों ने ये कंसर्न रेज किया है कि यार इस कार में माइलेज इश्यूज है, ये कार माइलेज निकाल के नहीं देती है। तो उन लोगों को सिंपल सा आंसर मैं ये बताऊंगा। देखो यार, माइलेज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपकी ड्राइविंग हैबिट क्या है, आपकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशंस क्या क्या हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप माइलेज को जज करो तो बेटर रहेगा। जी हाँ, अगर जो लोग कह रहे हैं कि उनको माइलेज कम निकाल के देती है, हाँ अगर ट्रैफिक कंडीशन हाई हो तो ऑब्वियसली इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाती है, एंड वो माइलेज आपकी 10 से 11 के बीच में आ जाती है। अगर हाई ट्रैफिक कंडीशन पे, तो ये आपको उस समय 10 से 11 तक की ही माइलेज देगी। बट हाँ, अगर ट्रैफिक कंडीशन स्मूथ है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, उस केस में ये कार आपको 14 से 15 के बीच में भी माइलेज निकाल के दे देती है। डिपेंड आप उसको किस तरीके से चला रहे हो। मैं बहुत लाइट फुट ड्राइव करता हूँ इस कार को, मैं ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करता, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करता, तो मेरे को ये नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में 14-15 के बीच में माइलेज दे देती है निकाल के। एंड वहीं अगर मैं इसको हाई ट्रैफिक कंडीशन में चलाता हूँ, तो ये कार मुझे 11-12 के बीच में माइलेज देती है, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं और भी कार ड्राइव कर रहा हूँ इस समय, तो उन कार्स में भी मुझे अराउंड इसके आसपास ही माइलेज मिलती है। तो 1.2 लीटर इंजन, और यह कोई सा भी, अगर आप बोलूंगे हाई ट्रैफिक कंडीशन में, कार्स आपको अभी करंट टाइम पे इतनी ही माइलेज निकाल के देती है। तो हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर आप इसको कंपेयर करो मारुति की कार से, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस दिखाई दे माइलेज में, बट इतना ज़्यादा वेरियंस भी नहीं मिलेगा कि आप बोलोगे कि ये मारुति मुझे 18 की माइलेज दे रही है और यहाँ पर मुझे 12 की ही मिल रही है, ऐसा नहीं है। हाई ट्रैफिक कंडीशन में अभी करंट टाइम पे यार कोई सी भी कार हो, आपको माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा। हाई ट्रैफिक कंडीशन में ये कार 10, 11, 12 के आसपास निकालती है माइलेज, एंड वहीं अगर नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन हो तो 14, 15 भी आपको निकाल के दे देगी। हाईवे में ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हाईवे में इस कार की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इस कार में आपको बॉडी रोल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम सब जानते हैं टाटा की, हाईवे में बहुत स्टेबल कार है, मैंने इसको बहुत हाईवे पे चलाया है, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हाईवे के लिए इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार में से एक है ये। बहुत ही अच्छी स्मूथ चलती है ये हाईवे पे, और हाईवे पे जो आपको माइलेज को लेके कंसर्न रहता है, हाईवे पे ये बहुत अच्छा माइलेज भी आपको निकाल के देगी अगर आप इसको एक डिसेंट स्पीड में मेंटेन करके चला रहे हो। बिटवीन 80-100 अगर आप इसको लेके चल रहे हो, तो ये आपको इजिली 20-20+ के अराउंड भी माइलेज निकाल के दे सकती है। तो हाईवे के लिए तो मैं इस कार को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, बहुत स्टेबल कार है हाईवे के लिए, और इस सेगमेंट में सबसे बेटर कार है ये। अगर हाईवे की बात करूँ, मैं हाईवे ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ, तो हाईवे में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस कार का। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, ये जो पंच है ना यार, ये कार
ऑलमोस्ट हर महीने 10,000 से ज्यादा यूनिट सेल कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है इस कार में जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है इस कार की तरफ। ऐसा बोलना सिर्फ कि कार में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस कार में जो लोगों को अभी भी इस कार को लेने की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोग इस कार को ले रहे हैं। 10,000 प्लस यूनिट बेचना इजी चीज टास्क नहीं है गाइज। एंड ये कार लगातार कंटिन्यू, जब से ये कार लॉन्च हुई है तब से ये कार आप देखोगे इतनी यूनिट सेल कर रही है बार बार। तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज तो है इस कार में जो कि आपको और कारों में नहीं मिलेगा। तो रे बात रही माइलेज को लेके, हमारी बात हो गई हैंडलिंग को लेके, बात हो गई इस कार की। बात आती है अब जो कुछ इश्यूज मुझे फेल हुए, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में बताया है मैंने कि थोड़ा इंजन अंडर पावर लगता है। हाँ, अगर आप इस तरह के ड्राइवर हो कि आपको गाड़ी एक्सलेरेट करना अच्छा लगता है, आपको भगाते हो आप गाड़ी को, आपको पसंद है कि आपको वो क्विक रिस्पॉन्स दे इंजन, पिकअप अच्छा मिले, वो चीज़ इसमें आपको थोड़ी कम मिलेगी। बट हाँ, मैं ये बात पे भी बोलूँगा कि मैंने इस कार को जब मैंने इसको स्टार्टिंग में चलाता था और अब जब मैं इसको 11,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, उसके बाद काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं इसके इंजन में। इंजन अब पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देने लगा है मुझे। तो वो जो पिकअप मुझे पहले कम मिलता था, अब वो पिकअप भी कहीं ना कहीं बेटर हो गया इस कार का ओवर द ईयर जितना मैंने इसको चलाया है। उसके साथ साथ इंजन और ज़्यादा रिफाइन हुआ है और ज़्यादा मुझे इसमें पिकअप मिला है इस कार में। तो ये चीज़ें हैं जो ओवर द पीरियड मेरी अच्छी हुई है इसके साथ। तो पहले मुझे एक कंप्लेन था यार कि ये थोड़ा सा पिकअप में इशू आता है, इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं करती है कार। तो वो अब थोड़े हद तक बेटर हुआ है, फिर भी ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेटर हो चुका है, इतना भी नहीं, बट हाँ थोड़ा बेटर हुआ है पहले से। बट अभी भी थोड़ा बहुत अंडर पावर वाला इशू है, एंड वो सिर्फ इस कार में नहीं है गाइज। मैं 1.2 लीटर की और भी कार ड्राइव कर रहा हूँ, उनमें भी मुझे ये चीज़ फील होती है कि इंजन उनका भी मुझे थोड़ा थोड़ा अंडर पावर लगता है। मैं आपको बताऊंगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उन कार्स के बारे में भी। बट हाँ, इसमें भी वो चीज़ है, 1.2 लीटर का जो इसका इंजन है, इसके बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा अंडर पावर फील होता है, जो कि एक सच बात है। बट हाँ, अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो, आप एक नॉर्मल डिसेंट स्पीड नॉर्मल स्पीड में ड्राइव करते हो, उस केस में आपको ये चीज़ इतनी फील नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट था। बाकी दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है मुझे फील हुआ टाटा की कार्स में, वो रहा थोड़ा इनके पैनल गैप्स रहते हैं इस कार में, थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू रहता है इनकी कार्स में। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फील होती हैं कि इस कार में थोड़ा सा इशू है। बट फिर भी मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इस कार को लेके, वो बहुत अच्छा रहा है। मुझे पर्सनली ये कार काफ़ी अच्छी लगी है। एंड अब आप बोलोगे यार इतनी अच्छी लगी है तो बेच क्यों रहे हो, 1.5 साल के अंदर ही आप इसको क्यों सेल आउट कर रहे हो? तो उसके पीछे यार एक सिंपल सा रीज़न है, मेरे कुछ और प्लान है और मैं बहुत जल्दी इस अपग्रेड करने वाला हूँ, इससे थोड़ा एक और अपर सेगमेंट में जाने वाला हूँ, इस वजह के से मैं ये कार सेल आउट कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम किस सेगमेंट की कार लेने वाले हैं हम, या हम किस कार की तरफ जाने वाले हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड सो ओवरऑल मुझे कार से ऐसी कोई ज़्यादा मेजर कंप्लेंट है नहीं, मेरे को पर्सनली कार पसंद आई है ये एंड काफ़ी अच्छी लगी है। और मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग भी इस सेगमेंट में कोई कार देख रहे हो तो इस कार की तरफ डेफिनेटली आप जा सकते हो। अभी जो इसका BS6, ये तो पुराना वाला वेरिएंट है, इसका जब नया BS6 Phase 2 कंप्लाइंट आया उसमें थोड़ा सा आपको NVS लेवल भी डाउन देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन और नॉइस का भी थोड़ा इशू कम हो गया उनमें। तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। एंड आप बात रही कि कुछ टाइम से वीडियोस थोड़ा डिले चल रही थी, यार मेरे थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे जिन्हें मुझे पूरा करना था, एंड थोड़ा थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहा था, उसकी वजह से वीडियोस डिले हो गई थी। एंड कुछ लास्ट वीक या एक दो हफ्ते से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा था अपने चैनल की तरफ। बट इन फ्यूचर आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलेगी चैनल पे। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो। बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।